जहां पर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने महासभा का आयोजन किया है। ये महासभा बूढ़ा तालाब में हुई, जहां पर विभिन्न संप्रदाय के संत, शिक्षाविद, कानूनी जानकार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े शहरों के साथ सैकड़ों लोग समर्थन में उतरे। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा सांसद सुनील सोनी, पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौजूद रहे। बीजेपी का आरोप है कि कानून को गलत तरीके से परोसा जा रहा है और इस कानून के माध्यम से कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है। और इसी दौरान ओपी चौधरी से खास बातचीत की है संवाददाता सत्या राजपूत ने। देश में किसी की भी नागरिकता को लेकर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। जो भारत में रहता है वो भारत का नागरिक है, लेकिन जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है, उसको देश छोड़ना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज राजधानी रायपुर में महासभा बुलाई गई है। यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, संसद में बहुमत से पास होने के बाद इस कानून को आज समर्थन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कुछ दल जो है इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, देश में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इस कानून को भ्रमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के अंदर में हम सब सारे नागरिकों ने मिलकर तय किया, सभी धर्म के लोग बैठे हैं कि अपना शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ है, शांत रहे। और ये एक ऐसा कानून है जो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता समाप्त करने का कानून नहीं है। इसलिए किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं। इस कानून में लिखा है स्पष्ट तौर पर, जिन लोगों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया गया है, ऐसे लोगों को न्याय देने का कानून है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को न्याय देने का कानून है। ये अपने देश के लोग हैं। यहाँ पे और भी कई चेहरे यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि ओपी चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, कलेक्टरी को छोड़कर वो इसमें आए थे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, देश के कई कोने इसके विरोध में जल रहा है, यहाँ आज आप लोग समर्थन में बैठे हैं, क्या करें? एक्चुअली तरह तरह से अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। आप सबको पता है कि सीएए किसी के नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि कुछ धर्म आधारित जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता देने वाला कानून है। भारत देश का नागरिक जो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी की भी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल और कुछ असामाजिक तत्व इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, उसे रोकने के लिए और सही बात को, तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित। तो अभी आपने सांसद सुनील सोनी को सुना और पूर्व कलेक्टर अपने ओपी चौधरी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कानून को सिर्फ गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। यहाँ देश में रहने वाले, चाहे वो कोई भी समुदाय के लिए, उनके किसी भी तरह की खतरा नहीं है। ये नियम 2014 में जो पारित हुआ है, जो लोग आए हैं उनके नागरिकता के लिए है, ना कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए। अब देखना ये होगा, ये जागरूकता विशाल और समर्थन रैली जो निकाली जाएगी और जो सभा का आयोजन किया गया है, इसका प्रदेश में कितना असर होगा। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।